नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। इस देश की अर्थव्यवस्था कई बार डगमगाई है, मगर ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि इस देश की जीडीपी -7.3% तक पहुंच गई हो। अब ये स्थिति आ गई है। देश ने कई बार युद्ध की स्थिति भी देखी है, इमरजेंसी भी देखी है। इस देश ने 2008 की अंतर्राष्ट्रीय मंदी को भी झेला है। इस देश ने वो तमाम दौर देखा है जहां पर कहीं ना कहीं और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, मगर भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ता रहा और इस कदर -7.3 जीडीपी कभी भी नहीं रही। और मोदी सरकार क्योंकि बार बार 70 सालों का जिक्र करती है, तो आपको बता दें कि आज़ाद भारत में और पिछले 70 साल में ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई, मगर अब ये स्थिति आ गई है कि देश की जीडीपी -7.3% हो चली है। और ये स्थिति तब है जब मोदी सरकार पूरी राजनीतिक ताकत के साथ सत्ता में है। मोदी सरकार ने आर्थिक बदलाव के नाम पर तकरीबन 250 ऐसे कायदे कानून नियम बदल दिए हैं और तकरीबन 75 से 78 नए नियम बनाए हैं। इस दौर में मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को, इस तरह के तमाम चीज़ों के नाम पर पैसा बहाया है, मगर जो रिजल्ट है वो नेगेटिव देखने को मिला और कहीं ना कहीं देश की जीडीपी -7.3% पर पहुंच गई। और इस सारे समय में यदि कोई सेक्टर बड़ी मजबूती से खड़ा दिखाई दिया तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये वही सेक्टर है जिसके किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं और पिछले 6 महीने से लगातार सरकार से 3 कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। इस दौर में तमाम पिछले 1 साल के दौर में यदि हम आपको बताएं जिस कोर सेक्टर को लेकर सरकार बार बार अपनी तरफ से वाहवाही करती है और जिसमें बार बार रिफॉर्म करने की बात सरकार करती है, वो तकरीबन जो 8 सेक्टर हैं जिनको मुख्य तौर पर ये माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक सेक्टर है, इसके अलावा सीमेंट है, स्टील है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर है, कोल है, क्रूड ऑयल है, ये तमाम सेक्टर्स नेगेटिव ग्रोथ रेट इन तमाम सेक्टर्स की रही और सिर्फ एक सेक्टर जिसकी पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। एग्रीकल्चर सेक्टर ने मजबूती से देश की अर्थव्यवस्था को संभाला और कहीं ना कहीं उस अर्थव्यवस्था को संभालते हुए बेरोजगारी को भी कम करने की कोशिश अपनी तरफ से एग्रीकल्चर सेक्टर ने लगातार जारी रखी, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर यदि आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में कुछ रोजगार की संभावनाएं नजर आई और उसके अलावा यदि सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं रोजगार मिला तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार अपनी तरफ से अर्थव्यवस्था को मजबूत करता रहा और तमाम जो चीज़ें रही उसके बीच में फिक्की की एक रिपोर्ट पिछले दिनों आई थी। फिक्की ने साफ तौर पर कहा कि 70% तक इंडस्ट्री का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो गया है और उसका मुख्य कारण जो है वो बेरोजगारी है, धंधा नहीं है, कमाई कम हो गई है, मांग कम हुई है। ये तमाम बातें फिक्की की तरफ से कही गई हैं। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो अविश्वास बढ़ता है और उस अविश्वास में कहीं ना कहीं चीज़ें जो होनी चाहिए वैसी नहीं होती हैं। और उसी तरीके से यदि हम बात करें तो जो सैलरी क्लास है उसमें भी इस दौर में एक अविश्वास पैदा हुआ और सैलरी क्लास के तकरीबन 76 लाख लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर जो पैसा बैंक्स में उनका जमा था उस पैसे को निकलवाया है। और ये रकम यदि हम आपको बताएं 18,700 करोड़ रुपये पैसा जो है वो 76 लाख सैलरी क्लास लोगों ने निकलवाया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अविश्वास बढ़ता है तो इस तरीके से सेविंग को लेकर लोग अपनी तरफ से उस सेविंग को खर्च करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। और काम की बेरोजगारी की जो स्थिति है वो तमाम स्थिति हम आपको बताएं तो इस देश में से 100 में से 23 लोग बेरोजगार हैं। और असंगठित जो सेक्टर है उसकी यदि हम बात करें तो 100 में से 70 लोगों के पास काम नहीं है,
तो ये स्थिति है जिसके बीच में लगातार जो खेती है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो लगातार अपनी तरफ से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा रहा। ऐसा नहीं है कि ये बातें तमाम हम अपनी तरफ से खेती को लेकर या खेती के समर्थन में तमाम चीज़ें कह रहे हैं, बल्कि ये तमाम वो आंकड़े कह रहे हैं। हर वो तिमाही के जब तिमाही आती है तो तमाम आंकड़े सामने आते हैं, उन आंकड़ों का हम आपको एक ब्यौरा बताते हैं। जो पहला जो क्वार्टर है अप्रैल 2020 से जून 2020 में जो पहला क्वार्टर था उसमें एक एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखी गई। जब जीडीपी नीचे जा रही थी तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर 3.4% के हिसाब से उसमें ग्रोथ देखी गई। इसी तरीके से जुलाई 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक दूसरे क्वार्टर में भी 3.4% के हिसाब से पॉजिटिव रेट से पॉजिटिव ग्रोथ के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता गया। जीडीपी यहां पर भी कम हो रही थी, मगर अक्टूबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 में भी जब जीडीपी 0.4% जीडीपी की ग्रोथ रेट थी, उस वक्त भी एग्रीकल्चर सेक्टर 4.5% के हिसाब से ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी गई। यानी लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर में ये ग्रोथ देखी गई, जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं संभली है। जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक के आंकड़े की यदि हम बात करें तो जीडीपी 1.6% ग्रोथ जीडीपी की रही, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर 3.1% के हिसाब से उसमें ग्रोथ देखी गई। और इस तमाम इसको साल भर की यदि हम एवरेज देखें तो जीडीपी -7.3% पर पहुंच गई और एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है इस दौर में 3.6% की ग्रोथ दिखाई दी। यानी लगातार अपनी तरफ से एग्रीकल्चर में जो चीज़ें बढ़ी और एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखी गई, मगर सरकार रिफॉर्म्स के नाम पर लगातार इस तरह के कानून लाकर एग्रीकल्चर को कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में दे देना चाहती है, उस कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में जो कॉरपोरेट सेक्टर अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पा रहा है। जीडीपी में जो जिस तरीके से भर भरा कर गिर गए, अलग अलग जो सेक्टर थे वो भर भरा कर गिर गए। और यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में भी एग्रीकल्चर का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि इस दौर में तमाम जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, भारत के द्वारा बाहर भेजी जाती हैं, वो तमाम चीज़ें उनमें ग्रोथ कम देखी गई। एग्रीकल्चर सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ग्रोथ यहाँ पर भी एक्सपोर्ट में ज़्यादा देखी गई, पहले से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया। यानी तमाम जो परिवेश है उसके बीच में यदि आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर ने लगातार इस इकोनॉमी को संभाला है, मगर ये बात आपको देश की सरकार नहीं बताएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, वो भी इस बात से चूक जाएगा। इसीलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में एग्रीकल्चर का एक बड़ा योगदान है। जो तमाम किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं उनका एक बड़ा योगदान है। हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से इस बात को स्वीकार ना करे, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं, मगर लगातार किसान अपनी तरफ से देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। और जो जीडीपी -7.3% पहुंच गई है उसके लिए क्योंकि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार के पास जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो अर्थशास्त्रियों की एक टीम है, क्या वो उस तरीके से नहीं सोच पा रही है? क्या सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो पॉलिसी रिफॉर्म्स के नाम पर ग्रोथ नहीं दे पा रही है? आखिर क्या वजह है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ये जरूर है कि खुद अपनी तरफ से अर्थशास्त्री नहीं है, इसलिए अर्थशास्त्रियों की एक टीम काम करती है सरकार के साथ। और शुरुआती दौर में जिस तरीके से अरविंद सुब्रमण्यम उस टीम में थे और अरविंद सुब्रमण्यम ने जिस वक्त मोनेटाइजेशन हुआ उसके तुरंत बाद अरविंद सुब्रमण्यम ने अपनी तरफ से एक किताब लॉन्च की और उसमें बताया कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। खैर उन बात को यदि छोड़ भी दें तो मौजूदा जो अर्थशास्त्री हैं वो आखिर किस तरीके से सोच रहे हैं, मौजूदा अर्थशास्त्री रिफॉर्म्स के नाम पर क्या कर रहे हैं, और क्या जिस सेक्टर को जो अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है उस सेक्टर में इस तरीके से तीन कानून लाकर या फिर दूसरे बदलाव कर आखिर कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में सरकार क्यों सौंपना चाहती है? क्यों सरकार उस कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में कृषि को सौंपना चाहती है जिस कॉरपोरेट सेक्टर ने जीडीपी को -7.3% तक पहुंचा दिया है? खैर ये सवाल है और इस सवाल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमारे तक पहुंचाएं।
और इसी तरह की खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।